आएगी, मतलब आप मेरे को रोक रहे हो कि कैमरा बंद कर दो, क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि हमें इनकी पॉलिसी, मैं कह रहा हूँ जो गेट के बाहर पॉलिसी लिखी हुई है वो आप फॉलो कीजिए। आप एक रीजन तो होगा ना भाई इसके, भाई इसलिए मीडिया अलाउड नहीं है, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आराम से वो मेरी वजह से, मेरी वजह से तो नहीं हो रही ना भाई, जबकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। ये देखो मैं सिर्फ इनसे, अगर मैंने कोई सवाल नहीं करा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, मैंने कोई इनसे सवाल नहीं करा, कोई बदतमीजी नहीं करी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं, सरकारी काम में व्यवधान नहीं, मैं मेरी बात सुनिए, एस्मा लागू है और आप कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं, आप प्लीज बाहर चले जाइए। मतलब मैं चुपचाप खड़ा हूँ तो मैं बाधा डाल रहा हूँ? डाल रहे हैं आप, बिल्कुल डाल रहे हैं भाई साहब, आप इनको बाहर करो भाई साहब, बाहर करो। नहीं मैंने क्या बाधा डाल दिया, मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि मैं सवाल कर रहा था, ये बाहर मतलब मैं सवाल कर रहा था, ये बाधा डाल रहा हूँ। नहीं 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 क्या जो गाड़ियाँ निकलनी है वो उसके आगे, नहीं नहीं मैंने क्या डिस्टर्ब कर दिया ये पूछ रहा था मैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे आप, एक साइड में कर लो, वो जो इतने सारे लोग खड़े हैं, अगर मैं खड़ा हो गया था तो दिक्कत है यार, मैं भी खड़ा हो गया था तो दिक्कत थी। देखो ये सब ये घेर रहे हैं, ये काम नहीं होगा तो क्या होगा? मैं हाँ अब ठीक है ना, देखो अकेले जाओ ठीक है ना, अब कोई नहीं आ रहा इनमें से, अब कोई नहीं आ रहा इनमें से, ठीक है ठीक है, ये बाहर बैठ के करवा दो ना, गरीब आदमी तो बाहर परेशान हो रहा है, सच बात ये कि गरीब आदमी तो बाहर परेशान हो रहा है, ये सारे अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, ये परेशान है। अगर इतनी गरीब की चिंता होती तो इन लोगों की सुनी होती, मैं अब आवाज उठा रहा हूँ। अब देखो मैं इनके हक की आवाज उठाने के लिए सवाल करने के गया था, इनके हक की आवाज उठाने के लिए जानकारी लेने गया था, तो ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये मुझे बोलते हैं कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो मेरी वजह से यहाँ पे इनका काम खराब हो रहा है, ये मुझे बोलते हैं मेरी वजह से इन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, जबकि मैं चुपचाप खड़ा हूँ, और फिर ये बात करते हैं कि गरीब आदमी की, अरे गरीब आदमी तो बाहर खड़ा है जब परेशान, अपने ट्रक खड़ा करवा के यहाँ पर, इन लोगों की आवाज सुननी चाहिए थी। हमें हमें खाना नहीं मिलेगा भाई साहब, चक्कर नहीं लगेगा तो, हमें पैसा नहीं है खाना खाने को, शाम को क्या खाएंगे ये नहीं समझ आ रहा, कौन हमें खाना देगा, हमसे ज्यादा गरीब इस समय कौन है, साला चाय पीने का पैसा नहीं है जेब में, यहाँ बंदी बना के रख दिया इन लोगों ने। एक बार गरीब की सुनो जी, ये भाई साहब गरीब की सुनो, ये देखो ये गरीब, मैं तबत्ती गरीब हूँ, मैं क्या मेरी गाड़ी पहाड़ का फसारा की आड़ ही पता है, मेरी गाड़ी खड़ी है फसारा की आड़ है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं तबत्ती ड्राइवर हूँ, क्यों फसाई है? मेरे ऑफिस से, ऑफिस से बाहर जाइए, सरकारी काम में लोग, नहीं 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 आप हाथ हटाओ पहले, तो मैं मेरे ऑफिस में खड़े हो, मैं आपका, ये सरकारी ऑफिस है, जनता के टैक्स के बना, आपका दफ्तर नहीं है ये, हमारा तो आपका नहीं है, 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 मेरा ये जनता का है भाई साहब, आपका नहीं है, आपका नहीं है, ये जनता के टैक्स के पैसे से बना है, इनके पैसे से थोड़ी बना है, ये तो हम लोग टैक्स देते तो आपकी तनख्वाह आती है, हम लोग टैक्स देते तो आपकी तनख्वाह आती है, हाँ हम लोग टैक्स देते हैं, ये लोग टैक्स देते हैं, परेशान कर रहे हैं, हाँ ये लोग परेशान है, अपनी समस्या रख रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये बातें कुछ ही बजाय आराम से प्यार से बैठ, हम भी तो प्यार से, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, लेकिन ये कहते हैं मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कमाल है यार, अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या करें, मैंने क्या मैंने जनमन बात रखी, बात रखी थी जी, तानाशाही है इनकी, ठीक है जी, बिल्कुल तानाशाही है इनकी, जो आपके बात के साथ है, अब ये सोच लो इन ड्राइवरों के साथ क्या, अब देखिए ये व्यक्ति मुझे बताते हैं, ये अफसर मुझे बता रहे हैं, या ये अधिकारी मुझे बता रहे हैं, या ये कर्मचारी मुझे कह रहे हैं कि मेरा दफ्तर है, जबकि इनका दफ्तर नहीं है, सच्चाई ये है कि इनका दफ्तर नहीं है, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, तो ये दफ्तर है, इन लोगों की तनख्वाह जब आती है, ये सरकार का है, मतलब सरकार का मतलब आम जनता का, और ये कह रहे हैं अधिकारी मेरा दफ्तर है, गजब की बात है, इनका है ये दफ्तर, ये भाई मीडिया के किसका है दफ्तर, इनका नहीं है, किसका है दफ्तर, गरीब आदमी का, किसका पैसा, ये आम पब्लिक का दफ्तर है भाई साहब, जो टैक्स का पैसा, आम पब्लिक का जी,
किसका ये दफ्तर भाई साहब? ये दफ्तर किसका? एक व्यक्ति कहता है मेरा है। ये किसका? एक आदमी वाला नहीं है, ये हम सभी का ही है। ये सच्चाई है, हम लोगों ने, आप सब लोगों ने अपना टैक्स का पैसा दिया है तो ये दफ्तर बना है। बना है और इसकी इसके अंदर बैठने वाले अधिकारी की तनख्वाह भी हमारे टैक्स के पैसे से आती है। ये कह रहा मेरा ऑफिस है, बताओ ये अभी बोल रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज। अब इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर मैं और दो चार तरीके से कड़वे सवाल कर लेता, हो सकता है मुझ पे कोई ना कोई झूठा सीधा इल्जाम लगा के मुझे बंद करवा देते, हो सकता है। लेकिन इन चीजों को लेकर के हमें परवाह नहीं करनी, फिर भी डट करके सवाल जरूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दफ्तर सरकारी है और ये जनता के टैक्स के पैसे से बना है, सच्चाई है। और हम लोगों को चाहिए कि हमें अपने हक की आवाज तो कम से कम डट के उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।